वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी वॉकिंग टेल्स एपिसोड 10। और इस वीडियो में जो साइट पर डेवलपमेंट आपको हो रही है इस वक्त उसके हवाले से एक्सप्लेन करूँगा। ये जो आप कुछ ग्राउंड वर्क देख रहे हैं जो बेसिकली डिगी हुई है और कुछ मशीन्स काम कर रही हैं यहाँ पे, ये लाहौर स्मार्ट सिटी में मस्जिद की साइट है। और मस्जिद की साइट पर जितना कैपिटल स्मार्ट सिटी में रिहायशी तो एक भी रिहायशी पजीर नहीं है, लेकिन मस्जिद और स्कूल को वहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर कम्प्लीट किया गया था। इसी तरह से यहाँ पर भी लाहौर स्मार्ट सिटी में मस्जिद को पहले स्टार्ट किया गया है और वाटर टैंक जो है वो तकरीबन 80 फीट से ऊपर कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं उसकी ऑलरेडी, और यहाँ पे मस्जिद का काम हो रहा है। मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पर फैमिली पार्क है जो 10 मरला और कनाल के सेंटर विराज होंगे, यानी कि सेंटर में होगा और ये मस्जिद बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आती है। इस मस्जिद के ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे ये 10 मरला के विलाज हैं और अभी इनकी जो प्रोग्रेस है एक्चुअल प्रोग्रेस 19.10% विला नंबर 18। आई थिंक ये आउटसोर्स किए गए हैं किसी दूसरी कंपनी को दिए गए हैं, SSDC विलाज विला नंबर 4। लेट्स सी अब इसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स आते हैं। फॉर द टाइमिंग इन कंस्ट्रक्शन जो है बड़ी हैरान कन तेज़ी से की जा रही है। वापस आते हैं मस्जिद वाले प्लॉट पे। ये मस्जिद है, ये प्लॉट है मस्जिद का और उसके अपोजिट साइड मैंने लास्ट ब्लॉग जो बनाया था वो था वॉकिंग टेल एपिसोड जो थी विलाज के वाले से बैक साइड पर, और ये विलाज के सेंटर में मस्जिद। और ये जहाँ आपको ट्री नज़र आ रहा है मेन, ये दरख्त जो आपको नज़र आ रहा है ये एक पार्क के अंदर सेंट्रल पार्क है, ये छोटा सा पार्क है फैमिली पार्क उसके साथ है। और इस साइड पे ये 10 मरला के विलास पे कंस्ट्रक्शन हो गया है। अगर मैं 10 मरला के विलास का नंबर काउंट करूँ तो ये भी अराउंड 40 से 50 के आसपास बनता है। मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं किया, किनाल का मैंने काउंट किया था। स्ट्रीट के एक फ्रंट पे 20 विलास थे और बैक साइड पर 20 काउंट करें तो 40 विलास। और किनाल की बाकी स्ट्रीट पर भी जो किनाल की स्ट्रीट डेवलप हुई हैं वहाँ पर भी ईंटें और बाकी सामान जो कंस्ट्रक्शन का रखा गया है, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी। ये आपको लाहौर स्मार्ट सिटी से डायरेक्टली जो आपको नज़र आती है ये ईस्टर्न बाईपास है और ये लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन है। लोकेशन वाइज हर लिहाज से देखा जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे है, और बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन के साथ साथ यहाँ पे जो डेवलपमेंट की पेस है बाय गॉड, इस तरह सोसाइटी के अंदर जिस तरह डेवलपमेंट की जाती है इसकी पेस देखें और बाकी सोसाइटीज़ को कंपेयर करें आप अनमैचेबल है। आप देखेंगे यहाँ पर जो डेवलपमेंट की जा रही है जिस स्पीड से, मैं अगर इसकी टाइमलाइन को देखूँ पिछले एक साल की तो फरवरी 2021 में इसका NOC आया था, अराउंड 2200 कनाल का NOC था सोसाइटी का फर्स्ट फेज़ में। देन उसके बाद फिर मई में यहाँ पे मशीनरी मूव की गई और मई के बाद यहाँ पे मई में ही हेड ऑफ स्टार्ट हुआ था, अप्रैल मई में जो DH फेज़ 8 में ब्रॉडवे कमर्शियल्स में। उसके बाद फिर यहाँ पे साइट पे काम स्टार्ट हुआ और विद इन 8 to 9 months साइट की डेवलपमेंट ये है कि हैरान कन तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल के अंदर अंदर जो सेक्टर ए है उसमें भी इस तरह डेवलपमेंट होगी, ये सेक्टर ए है सॉरी सेक्टर बी में इस तरह डेवलपमेंट होगी और फिर इसकी डेवलपमेंट भी अनमैचेबल होगी। ये जो आपको विलास नजर आए 10 मरला के हैं इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फॉर द टाइम बिंग जो आपको ये सीवरेज की लाइन नज़र आ रही है हर विला के सामने जो कंप्लीट हो चुकी है वो देख सकते हैं, और इस साइड पे ये मॉस का प्लॉट है। तो ये आज की वीडियो थी, सो वेज दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।